बच्चों आज हम भूगोल विषय के क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, इसका पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य और राजधानियां कौन कौन सी है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों सबके पास में पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, एटलस, मैप, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर हमने पृथ्वी का मानचित्र देखते हैं तो हम जानते हैं कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ हम देखते हैं कि रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दूसरे स्थान पर आता है कनाडा, जो कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, और रूस कौन से महाद्वीप में है बच्चों, एशिया महाद्वीप में। इसी प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम साधारण भाषा में अमेरिका भी बोलते हैं। चतुर्थ स्थान पर आता है बच्चों चीन, जो कि हमारा पड़ोसी देश भी है, यह भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। पांचवें स्थान पर आता है बच्चों ब्राज़ील, यह दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, यह एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। और सातवें स्थान पर आता है हमारा देश भारत। इस प्रकार से 7 प्रमुख देश है जो कि क्षेत्रफल में अपना स्थान रखते हैं। इन्हें हमें देखना है और मानचित्र में हमें नोट भी करना है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, यह है भारत का नक्शा है। यहाँ उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु, पूर्व में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में गुजरात और राजस्थान। यहाँ हमें यह भी चीज़ देखनी होगी बच्चों कि दिशा का ज्ञान किस प्रकार से होता है, हम मानचित्र में किस प्रकार से दिशा दिखाते हैं। ऊपर की ओर नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा होती है बच्चों, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, इधर पूर्व दिशा और इधर पश्चिम दिशा मानी जाती है। तो हमें दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है बच्चों कि कौन सी दिशा कहां पर होती है। हम भारत के नक्शे में देखें बच्चों तो उत्तर के यहां लद्दाख से स्टार्ट होकर के दक्षिण में तमिलनाडु तक भारत है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, यहां से पश्चिम में गुजरात तक भारत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न राज्य और उनकी राजधानियाँ भी स्थित है, और उन राजधानियों के हमें नाम याद करने होंगे बच्चों। देखते हैं कौन कौन सी राजधानियाँ, कौन कौन से राज्य की राजधानी है। आंध्र प्रदेश, यह हमारे लिए नया राज्य हो सकता है। वैसे तो राज्य बहुत पुराना था, लेकिन 2014 में इस राज्य का विभाजन कर दिया गया। इस राज्य का विभाजन किस में किया बच्चों, यह पूरा आंध्र प्रदेश था, जो कि वर्तमान में इसको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभाजित कर दिया था। यहाँ तेलंगाना राज्य सन 2014 में अलग करके इसकी राजधानी हैदराबाद बना दी गई थी, और बचे हुए आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बना दी गई थी। तो ये हमारे लिए बिल्कुल नया है बच्चों। तो क्या है इसमें, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। इसी के साथ में हाल ही में चेंज होने वाली जो चीज़ें हैं वो देखो, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य था, इसका विभाजन कर दिया गया, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया। पहले एक राज्य था और वर्तमान में इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम रखा गया लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह है, और दूसरी का नाम रखा गया जम्मू और कश्मीर, इसकी राजधानी है श्रीनगर। तो दो बात हमें सीखने को मिली बच्चों, एक तो आंध्र प्रदेश का विभाजन, दूसरा जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तीसरी नई क्या बात है बच्चों कि दमन और दीव और दादर नागर हवेली, पहले ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश होते थे, वर्तमान में इनको दोनों को मर्ज करके इसकी राजधानी क्या बना दी गई बच्चों, दमन। ये 3 मेजर चेंजेज हाल ही में हुए हैं, इन्हें हमें देखना है। इसके अलावा जो बाकी राज्य हैं इनकी राजधानियां हैं वो हमें एज इट इज़ पहले की तरह है, उनकी राजधानियों का नाम भी हमें याद करना होगा और मैप के अंदर देखना भी होगा। यहाँ पर हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है बच्चों शिमला, इसे हमें नोट डाउन करना है, देखना है। देहरादून की राजधानी है उत्तराखंड की, ठीक है बच्चों।
पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ इसी के साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो नई क्या बात सीखने को मिली, चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसके बाद देखते हैं, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी भी है। इसके बाद राजस्थान, उसकी राजधानी जयपुर, उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ, बिहार, इसकी राजधानी पटना, गुजरात, इसकी राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल, झारखंड, इसकी राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता है बच्चों। इसके बाद देखते हैं सिक्किम, इसकी राजधानी गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर, असम, इसकी राजधानी दिसपुर, नागालैंड, इसकी राजधानी कोहिमा, मणिपुर, इसकी राजधानी इम्फाल और मिजोरम, इसकी राजधानी आइजोल, त्रिपुरा और इसकी राजधानी अगरतला। ये सात राज्य हैं पूर्वोत्तर के। ये बच्चों क्या है, सात राज्य हैं पूर्वोत्तर के और इन्हें सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, सात बहनों वाले राज्य। इनकी राजधानियां और उनकी स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, सिक्किम की राजधानी गंगटोक हमने बताया ही, साथ में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, पहले इसको उड़ीसा बोलते थे बच्चों, आजकल ओडिशा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी झारखंड, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, महाराष्ट्र की राजधानी सबको पता है मुंबई है, ये बम्बई नहीं है, ये है मुंबई है, ध्यान करना है लिखते समय। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, पणजी राजधानी है गोवा की सब जानते हैं हम, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। इस प्रकार से ये मुख्य राज्य हैं जिनकी राजधानियाँ। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश हमने देखे हैं, हाल ही में नया केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं, लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, चंडीगढ़ की राजधानी अपने आप में चंडीगढ़, दिल्ली की राजधानी दिल्ली, दमन दीव और दादर नगर हवेली की राजधानी दमन, पुडुचेरी की राजधानी जो तीन हिस्सों में है, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है और एक चौथा खुद पुडुचेरी है। एक ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इन सब से मिलकर हमारा भारत बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ये विभिन्न राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ हैं, इसे हमें नोट डाउन करना है, देखना है और मैप में अंकित भी करना है बच्चों। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और उन सीमाओं पर स्थित हैं, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं इसकी स्थिति देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले सबसे पहले पश्चिम में स्थित पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे किस दिशा में है, भारत से पश्चिम में, अभी हमने देखा था बच्चों। इससे कौन कौन से राज्यों की राजधानियाँ मिलती है, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो स्थिति है वो पाकिस्तान की सीमा के साथ में मिलती है। इसके बाद अफगानिस्तान की सीमा मिलती है लद्दाख से। ठीक है बच्चों, और पूर्व और उत्तर यानी कि पूर्वोत्तर दिशा में स्थित चीन या तिब्बत नामक जो देश है उसकी राजधानी, उसकी जो सीमाएं मिलती है हमारे कौन कौन से राज्यों से बच्चों, लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों से चीन की सीमा मिलती है। फिर आगे हम देखते हैं बच्चों, देखो नेपाल, ये नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, इसकी जो सीमाएं कौन कौन से राज्यों से मिलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ही देखो छोटा सा पश्चिम बंगाल की सीमा भी मिल रही है, और सिक्किम। इन राज्यों की सीमाएँ नेपाल से मिलती है। भूटान नामक जो छोटा सा देश है हमारे पड़ोस में, इसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन राज्यों की जो सीमाएं हैं वो भूटान से मिलती है। इसके पश्चात देखते हैं म्यांमार। म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा था, पहले इसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी। हम पढ़ते हैं भारत के इतिहास में रंगून से हमारे संबंध रहे हैं, लेकिन कुछ सालों पहले इसकी राजधानी बदल करके क्या कर दी गई, नेपिडा। किसकी राजधानी, म्यांमार नामक देश की राजधानी क्या है, नेपिडा है, हमारे पड़ोसी देश है, पूर्व में स्थित है। इससे कौन कौन से राज्य की सीमाएं मिलती है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश।
इन राज्यों की सीमाएं म्यांमार से मिलती है बच्चों। इसके बाद देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो सीमाएं मिलती है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों से बांग्लादेश की सीमाएं मिलती है बच्चों। इसके पश्चात देखते हैं, ये तो स्थलीय सीमाएं हमने देखी। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि समुद्री, ये समुद्र है जो नीला कलर हमें दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है? समुद्र है। इस समुद्र के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्री सीमाएं हैं, ये देखने से हमें पता चल रहा है। सबसे बड़ी सीमा गुजरात, इसके बाद दमन दीव, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसी के साथ में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, साथ ही में पुडुचेरी। इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्र से जुड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस मैप को देखना है, समझना है और मैप में अंकित भी करना है। इसके बाद देखते हैं बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य। हमने देखे अभी थोड़ी देर पहले बच्चों कि विश्व के अंदर 7 बड़े देश कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये हमने देखा है। और 7वां स्थान किसका है? हमारे देश भारत का। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल में प्रमुख स्थान है। तो हम सब जानते हैं कि प्रथम स्थान कौन सा है? राजस्थान का। भारत के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बच्चों? राजस्थान है। दूसरा स्थान आता है मध्य प्रदेश का, तीसरा आता है महाराष्ट्र का, चौथा आता है उत्तर प्रदेश का और 5वां स्थान गुजरात का आता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है बच्चों। तो गोवा की स्थिति कहाँ पर है? यहाँ पर है गोवा। दूसरा सिक्किम और तीसरा त्रिपुरा, 3 सबसे छोटे राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत में स्थित है। इसके बाद देखते हैं कि भारत के 5 बड़े राज्य किसमें? जनसंख्या में। जनसंख्या के हिसाब से भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 20 करोड़ जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। हमने देखा 2011 के बाद अब जनगणना कब होगी? 2021 में। ठीक है बच्चों, और द्वितीय स्थान किसका आता है? महाराष्ट्र का। तृतीय स्थान बिहार, चतुर्थ पश्चिम बंगाल और 5वां स्थान आता है मध्य प्रदेश का। ठीक है बच्चों, ये 5 बड़े राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, इन्हें हमें याद करना है। इसके बाद देखते हैं सबसे छोटा व सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा और बड़ा कौन सा है बच्चों? सबसे बड़ा है दिल्ली और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन से हैं केंद्र शासित प्रदेशों में? ठीक है बच्चों, धन्यवाद।